आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता के विभाग पनीर सेल्वम को मिले। ISL कोलकाता ने मुंबई को लगातार तीसरी जीत से रोका। कबड्डी विश्व कप भारत ने बांग्लादेश को राउंड हासिल की दूसरी जीत। कश्मीर सरकारी इमारत में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी। भारत से डांसिंग गर्ल को वापस लाने के लिए याचिका। परिस्थितियों की अपेक्षा अपनी कुशलता पर अधिक भरोसा कोहली। निर्वासित सरकार बनाने दिल्ली पहुंची बलूच लेखिका। महाराष्ट्र में मुंडे की बेटियों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन। मोनिका गुर्दे की हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ पुलिस। मध्य प्रदेश में रावण के पुतले जले मना विजय पर्व। मोदी सरकार की शिकायत निवारण कानून को हटाने की योजना। चीनी राष्ट्रपति के बांग्लादेश दौरे से संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। रावण दहन पर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश। पाकिस्तानी संवाददाता के देश छोड़ने पर रोक लगी। भारत युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाला देश मोदी। मुहर्रम जुलूस रोकने के लिए श्रीनगर में प्रतिबंध। सप्ताह भर के कुल्लू दशहरा की शुरुआत। वरुण शर्मा ने बनाई मिस्टर बीन शैली की लघु फिल्म। ISL घरेलू मैदान पर पुणे का सामना आज नॉर्थ ईस्ट से। बिहार में बस पलटने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत। लक्षद्वीप में 5.3 तीव्रता का भूकंप। केजरीवाल को आशंका, सूरत सम्मेलन में व्यवधान डाल सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने को आवंटित धन आधा भी खर्च नहीं। चीन में सितंबर में फोर्ड कारों की 24% अधिक बिक्री। चीन ताइवान संबंधों पर संगोष्ठी बीजिंग में। व्हाट्सएप फेसबुक की लत से उंगलियों को नुकसान। दिल्ली में सुबह आसमान साफ। केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। तमिल तेलुगु में बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का रीमेक। चीन 2020 तक 10 करोड़ लोगों को शहरों में बसाएगा।